छतरपुर के बड़ा मलेरा सीट पर भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में सभा की। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता से वोट मांगे, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती ने भाजपा को वोट देने की अपील की। इस दौरान शिवराज ने कमलनाथ पर जनहित की योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। बड़ा मलेरा के लिए कमलनाथ ने कांग्रेस प्रत्याशी रामसिया भारती के लिए चुनाव प्रचार किया। वहीं उमा भारती और शिवराज ने बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी के समर्थन में चुनावी सभा की। घुवारा में सीएम शिवराज सिंह ने बड़ा मलेरा क्षेत्र के विकास करने का दावा किया। शिवराज ने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 साल के शासन में वह एक बार भी बड़ा मलेरा नहीं आए और यहाँ के विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी उनके पास बड़ा मलेरा के विकास की बात करने जाते थे तो वह चलो चलो करके उन्हें भगा देते थे, इसलिए उनकी सरकार भी चली गई। शिवराज ने कमलनाथ पर उनकी सरकार द्वारा किसानों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों के लिए चलाई गई सभी योजनाओं को बंद करने का भी आरोप लगाया। हम नालायक, हम नंगे भूखे, हम कमीने, हम घुटना टेक, कितनी भी गाली दे लो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात का जवाब दे दो, हम नंगे भूखे, हमने तय किया था मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा दिया जाएगा, हम नंगे भूखे, अरे हमने तय किया था बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान ना करे कभी ऐसा हो, अगर किसी एक्सीडेंट या कोई मौत हो जाए गरीब परिवार में तो विधवा बनकर कोई बहन होती तो जिंदगी बोझ बन जाती, पहाड़ बन जाती है। हमने तय किया कि उस बहन की जिंदगी की गाड़ी आसानी से चल जाए, इसलिए 4 लाख रुपया देंगे। सेठ कमलनाथ जी, आपने वो 4 लाख रुपया विधवा बहन के छीन लिए। सालों से हमारी बेटियां जन्म से ही लखपति बन जाती थी, लाडली आती थी, लक्ष्मी लाती थी। 15 महीनों में लाडली से लक्ष्मी ही छीन ली, बेटी को फिर बोझ बना दिया। वो कैसी सोच थी जिसने गरीब को बेसहारा छोड़ दिया, गरीब की बेटी को पालने में ही छल लिया। पाप किया है तुमने, जवाब तो देना ही पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। बोले 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। हम छोटे किसानों ने किस्त जमा करना बंद कर दिया, विश्वास था, बोला है तो करेंगे। ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दिया, 10 दिन नहीं तो 10 महीने में तो हो ही जाएगा, पर हुआ कुछ नहीं। बैंकों ने डिफाल्टर कर दिया, दंड ब्याज लगाया। पैसा जमा करो, कहीं से भी लाओ, साहूकार ने 3% मांगा, नहीं भरा तो कुड़की होगी। बाप दादा की जमीन लग गई दाव पे, पकड़ी उछल गई गांव में। इतना बड़ा धोखा, लाखों किसानों की बलि चढ़ा दी अपने लालच में। किसान को कर्जा माफी से ठग लिए, जे पाप किया है तुमने, जवाब तो देना पड़ेगा। इस पाप का जवाब है आपका वोट। 3 नवंबर को मतदान अवश्य करें, भाजपा को वोट दें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।